Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. मैं हूँ अहमद और आज मैं आपको बताऊंगा कि USB-C विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने करना है कि विंडो 7 का जो ISO फाइल है वो आपने डाउनलोड करनी है, जो भी विंडो है उसका ISO फाइल आपने इंटरनेट से डाउनलोड करना है। और फिर उसके बाद आपने रूफस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। इन दोनों का विंडोज़ डाउनलोड करने का लिंक और रूफस को डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जी शुरू करते हैं, आगे कैसे करना है। आपने रूफस को ओपन करना है। रूफस ओपन करने के बाद आपने डिवाइस सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे साथ अभी ये अहमद नाम की USB कनेक्टेड है कंप्यूटर में, तो जैसे मैं रूफस को ओपन करूँ, USB सेलेक्ट कर लूँ, उसके बाद यहाँ पे एक क्रिएट अ पोर्टेबल डिस्क यूजिंग ये फ्री डोज लिखा हुआ है। फ्री डोज को हमने चेंज करना है, इसकी जगह हमने वो करना है ISO MH सेलेक्ट करना है। जैसे ISO MH सेलेक्ट कर लें, फिर आपने ये CD से जो CD रूम का जो आइकन बना है उसको सेलेक्ट करना है। प्रेस करने के बाद आपने जाना है जहाँ पे आपने विंडोज़ को डाउनलोड करके सेव किया हुआ है उसको सेलेक्ट करना है वहाँ से। जैसे अब मेरे पास यहाँ पे सेलेक्ट कर दी, ये रही विंडोज़, इसको मैंने ओपन कर दिया। जैसे ओपन पे क्लिक कर दूँ ना, तो उसके बाद ये रेडी वाला आइकन आ जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा रेडी। फिर उसके बाद आपने जो है सिर्फ स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर। तो जैसे आप स्टार्ट करते हैं उसके बाद कुछ ही टाइम में ये विंडोज़ के फाइल्स कॉपी हो जाएंगे उसमें USB में। फिर उसके बाद कंफर्म करने के लिए आपने माय कंप्यूटर में जाना है। वो जो USB है ना उसका नाम चेंज हो गया होगा और आइकन भी चेंज हो गया। ये अभी इसलिए नहीं दिखा रहा ना कि मैं USB डिसकनेक्ट करता हूँ फिर कनेक्ट करता हूँ। ये USB कनेक्ट हो गई, ये आप देख सकते हैं। जब विंडोज़ का आइकन आ जाए उस पर तो मतलब ठीक है, विंडोज़ हो गई है, मतलब USB पे ट्रांसफ़र हो गई है विंडो। अभी आप डायरेक्टली किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको इंस्टॉल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ विंडोज़ का सेटअप पे कैसे जाना है। सर आपने बस वो जो USB अपने बूटेबल बनाई है उसे उठाना है, उसे कंप्यूटर में लगाना है। जैसे कंप्यूटर में लगा लें आप, तो कंप्यूटर ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने बूट मेन्यू का बटन प्रेस करना है, जो कि मेरे साथ अभी ये तोशिबा लैपटॉप है और इसमें इस पर बूट मेन्यू में F12 बटन के साथ जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं USB इसने ली हुई उठाई हुई है, मतलब अभी फिर इंटर करना है। फिर एक बार सर कोई भी की प्रेस कर लेंगे, तो देख सकते हैं तो उसकी फाइल्स लोड हो रही है। देख सकते हैं जैसे कि विंडो का सेटअप कर दिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है और जिस पार्टीशन में आपको विंडो इंस्टॉल करनी है वो करना। बस आपके मतलब ये किसी विंडो हो जाएगी। मेरी देखने का शुक्रिया। Oh, this is...